पतरातू थाना क्षेत्र के टॉकीसूद गांव स्थित मगड्डा में बीती रात लगभग 7 की संख्या में पहुंचे नकाबपोश नक्सलियों ने उत्पात मचाया। बता दें कि नक्सलियों ने पुल निर्माण में कार्यरत कुछ मजदूरों के साथ मारपीट भी की, साथ ही हवाई फायरिंग करते हुए दहशत फैलाने के उद्देश्य से कैंप में खड़ी एक जेसीबी मशीन और एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया। वहीं नक्सलियों ने जाते जाते कैंप को हटाने की चेतावनी भी दी। घटना की सूचना मिलते ही पतरातू एसडीपीओ वीरेंद्र चौधरी, इंस्पेक्टर लीलेश्वर महतो, थाना प्रभारी भरत पासवान सशस्त्र बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कैंप में मौजूद मजदूरों से घटना की पूरी जानकारी ली। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आने के बाद पहले दो बार शीशा को फोड़ा घट से, उसके बाद फायरिंग किया। फायरिंग करने बाद आग जेसीबी को आग लगा दिया। कितने आदमी थे? वो लोग 6 या 7 आदमी लगभग थे। 5 राउंड फायरिंग भी हुआ है। अच्छा, उसके बाद नदी के ओर भाग वो लोग निकल गया। हम लोग जो थे हम लोग जंगल भाग गए, को किधर भाग गया स्टाफ लोग। किसी तरह मारपीट या कुछ? नहीं, किसी से मारपीट तो नहीं किया, थोड़ा बहुत धक्का मुक्का हुआ। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।